हेलो फ्रेंड्स, इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने देखा था कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस मतलब क्या, किस वजह से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं और किन किन लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के इन्फेक्शन बहुत कॉमनली क्यों देखे जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, ये सभी कारण आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ मैं कमिटेड हूँ महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आप लोगों को सुन के ये हैरानी होगी कि हर साल 8 मिलियन से भी ज़्यादा यानी कि 80 लाख से भी ज़्यादा लोग यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को लेके क्लिनिक में आते हैं, और इनमें से यूरिनरी इन्फेक्शन रेट जो पुरुषों में देखा गया है वो सिर्फ 12% है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि महिलाओं में इन्फेक्शन रेट लगभग 60% है। यानी कि वंस इन अ लाइफ टाइम 60% महिलाओं को यूरिनरी इन्फेक्शन कभी ना कभी होगा ही होगा, और इनमें से भी 27% महिलाओं को रिकरेंट यानी कि बार बार पेशाब के इन्फेक्शंस होते रहते हैं। फिर सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो है शॉर्टर लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रल लेंथ जो होती है वो लगभग 3-5 सेंटीमीटर्स होती है, जो कि काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा। तो जो कोई भी बैक्टीरिया यूरेथ्रल ओपनिंग में है वो इजीली उनको ट्रैवल हो सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस वो बैक्टीरियाज को ट्रैवल करना पड़ता है, और शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी जल्दी ब्लैडर इन्फेक्शन होकर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन रिकरेंटली हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉमन रीज़न जो है वो ये है कि यूरेथ्रल ओपनिंग ये वजाइनल और एनल ओपनिंग के काफ़ी करीब होता है। सो जब भी हम वॉशरूम या टॉयलेट जाते हैं तो नॉर्मली जो जेनाइटल एरिया होता है वो फ्रंट टू बैक क्लीन करना होता है, बट बहुत सी महिलाएं इम्प्रॉपर पर्सनल हाइजीन की वजह से या इम्प्रॉपर मेथड की वजह से बैक टू फ्रंट जेनाइटल एरिया क्लीन करते हैं, और इसीलिए वो जो कुछ भी बैक्टीरिया फीसेस में होते हैं वो यूरेथ्रा के पास आसानी से आ जाते हैं और आसानी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रैवल करके आपको यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। फिर थर्ड जो रीज़न है वो है अल्टर्ड वजाइनल फ्लोरा। अल्टर्ड वजाइनल फ्लोरा मतलब नॉर्मली वजाइना में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जिसे लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। सो ये लैक्टोबैसिलाई क्या करते हैं ना, ये वजाइना का एसिडिक पीएच मेंटेन रखते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो वजाइना में ग्रो नहीं हो सकते हैं। पर जब भी वजाइनल फ्लोरा इम्बैलेंस हो जाता है तो ये लैक्टोबैसिलाई कम हो जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है, और ये वजाइनल ओवरग्रोथ होने की वजह से ये जैसे कि वजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग के काफ़ी करीब है तो ये इजीली यूरेथ्रा में एंटर करके ब्लैडर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ ही यूरिनरी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट रीज़न जो है वो है जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जिन महिलाओं में रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उनमें देखा गया है कि उनकी माँ, मासी या बहन यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में भी यूरिनरी इन्फेक्शन कॉमनली देखा गया है, क्योंकि उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा है कि थोड़ा सा भी यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ तो उनकी बॉडी मैकेनिज्म, उनकी इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती है उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो नॉर्मल इंडिविजुअल की होना चाहिए, और इसीलिए इन लोगों में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। फिर प्रेग्नेंट महिलाओं में भी यूरिनरी इन्फेक्शन रेट काफ़ी कॉमन है। उसका पहला रीज़न ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है यूट्रस का साइज यानी कि गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है, गर्भाशय के सामने ही यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली होती है, तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो मैकेनिकल कंप्रेशन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होने में प्रॉब्लम हो सकता है और यूरिनरी स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है। फिर दूसरा रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और प्रेगनेंसी का जो मेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसका स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट होता है। सो बॉडी में जहाँ कहीं पर भी स्मूथ मसल है उसको वो रिलैक्स स्टेट में रखता है, इसकी वजह से यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर की मोटिलिटी कम हो जाती है और यूरिनरी स्टेसिस की वजह से प्रेगनेंसी में यूरिनरी इन्फेक्शन रेट काफ़ी बढ़ जाता है। फिर जिन महिलाओं में डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी है उन लोगों में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। उसके तीन मेन रीजंस हैं,
अगर पोअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुआ रहेगा, साथ साथ ही यूरिन शुगर लेवल भी बढ़े हुआ रहेगा। यूरिन शुगर बढ़ा है मतलब ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया आसानी से मल्टीप्लाई होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न है डायबिटीज़, ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, यानी कि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होती है डायबिटीज़ में, सो आसानी से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड रीज़न है अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व्स का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा। अगर नर्व्स यूरिनरी सिस्टम को जो नर्व सप्लाई है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो जब भी आप यूरिन पास करोगे तो ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ यूरिन हरदम आपके ब्लैडर में रहेगी। और जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के लिए, और इसलिए आसानी से आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर मेनोपोजल वुमेन में, यानी कि जिन महिलाओं की महामारी परमानेंटली रुक गई है, उन महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। उसका मेन रीज़न जो है वो है कि जो फीमेल का मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो मेनोपॉज के बाद ओवरीज बनाना रोक देती है। सो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन है जो वजाना के हेल्दी बैक्टीरियाज है उनकी प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन रखना। सो अगर एस्ट्रोजन ही नहीं है मेनोपॉज के बाद तो लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ भी कम रहेगी। लैक्टोबैसिलस कम है इसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ आसानी से हो पाते हैं, और साथ साथ ही वो यूरिनरी इन्फेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक कारण है रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन का, क्योंकि इंटरकोर्स के वक्त जो भी बैक्टीरियाज वजाइना में प्रेजेंट होते हैं वो यूरेथ्रा में जाके, यूरेथ्रा में से ब्लैडर में जाके यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो जो भी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव है या फ्रिक्वेंटली इंटरकोर्स करते हैं उन लोगों में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखे गए हैं। फिर उसके साथ में ही जो महिलाएं दिन नहीं रहने के लिए और एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर वजाइनल डायफ्राम्स यूज़ कर रहे हैं उन लोगों में भी इन्फेक्शन रेट बहुत कॉमन है। अगर वजाइनल डायफ्राम का साइज सही नहीं है तो वो नीचे से यानी वजाइना में से यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करेंगे, और इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर सही ढंग से एम्प्टी नहीं हो पाएगा, एक रीज़न। और सेकंड रीज़न, वजाइनल डायफ्राम जो होते हैं ये जनरली स्पर्मिसाइडल जेलीज के साथ यूज़ करने होते हैं। सो स्पर्मिसाइडल जेली जब भी हम यूज़ करते हैं तो वजाइनल पीएच डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जो महिलाएं प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उन महिलाओं में भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से यूरिन इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। सो जिस किसी कारण की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से हेल्दी हैबिट्स अपना के हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट यानी कि रोक सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करना न भूले, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।